दीपावली के मौके पर लोग शॉपिंग के लिए उमड़ पड़े हैं। सरोजनी नगर मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से बाजार में लोग शॉपिंग के लिए लगातार आ रहे हैं और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। इन सब के बीच जो सिक्योरिटी है उसके भी यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं और आप देखिए कि अधिकतर लोग जो शॉपिंग के लिए आते हैं अमूमन सबको ताकीद की गई है कि वो मास्क लगाकर आएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और साथ ही साथ ये साफ तौर पर कहा गया है कि शॉपिंग कीजिए, ज़रूर कीजिए लेकिन खुलकर कीजिए, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि सावधानी और प्रिकॉशंस के साथ साथ। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनमें किस बात का उत्साह है और किस तरह से शॉपिंग हो रही है जानने के लिए आकाश मेरे साथ हैं। आकाश आप बताओ कि अमन ये बताइए कि कितना रश है लोगों का इस बार? अभी तो थोड़ा इस बार तो मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा अब की बार वाले तो कम है। दो साल बाद मार्केट बंद होने के बाद खुली हुई है तो थोड़ा कम ही है, लेकिन काम धाम यही है कि जो कस्टमर आते हैं उनसे कहते हैं कि थोड़ा कम भीड़ भाड़ करो, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, यही है हम लोग कहते हैं। बाकी अब अभी काम तो अपने प्रकार से चल ही रहा है सही। तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि देखिए कि सरोजनी नगर मार्केट जो है काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर लोग अलग अलग जगहों से शॉपिंग के लिए आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग शॉपिंग में इतने मशगूल हैं कि वो भूल जाते हैं कि कोरोना के बीच में वो शॉपिंग कर रहे हैं। ऐसे में अगर जो कोविड एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप शॉपिंग करते हैं कीजिए, त्यौहार मनाना चाहते हैं मनाइए, लेकिन प्रिकॉशंस और सावधानी के साथ, क्योंकि राजधानी दिल्ली में न केवल प्रदूषण है बल्कि डेंगू का प्रकोप भी लगातार जारी है। इन सब के बीच अगर आप मास्क लगाते हैं तो न केवल आप कोविड से बच सकते हैं बल्कि प्रदूषण से भी आपका बचाव होगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ राम किंकर सिंह, सरोजनी नगर मार्केट, आज।